नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है दोस्तों। आपको इस कोयले से आप जो भी लिख देंगे वो आपकी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। कोयला आपको बहुत ध्यान से और सोच समझ के लाना है। इससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों मेरी चैनल में कुछ ऐसे फ्रॉड लोग एंटर हो चुके हैं जो मेरे ही नाम की डुप्लीकेट आईडी बना के मेरा ही फोटो लगा के और उनका अपना मोबाइल नंबर हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दे देते हैं। जब उनसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो पूजा या हवन के बहाने से उससे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर कभी नहीं देता और मेरे यहाँ किसी भी तरह के कोई भी पैसे नहीं लिए जाते, फ्री सेवा है। तो आपसे अगर कोई पैसे मांगे तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये व्यक्ति फ्रॉड है और आप पैसे ना दें, तो सावधान रहे। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपकी चाहे समस्या जो भी हो, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिखें उस कोयले से। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उस कोयले से उतना अमाउंट लिख दें, एक संख्या लिख दें कि भाई इतने पैसे मुझे मिल जाए। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है और वो आपको नहीं जीने दे रहा है तो फिर आप उसका नाम लिख के और छोड़ दें, दोस्तों उस शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कोयला कौन सा है। दोस्तों ये कोयला आम की लकड़ी का है। आम की लकड़ी का आपको कोयला लेना है और ये कोयला एक विशेष जगह भी मिलता है, आपको खरीद के नहीं लाना है ये कोयला। खरीदे हुए कोयले तो कई तरह के होते हैं, किसी भी लकड़ी का हो सकता है। दोस्तों जो भी मंदिरों में या लोग पूजा पाठ करवाते हैं, हवन कराते हैं, मोस्ट ऑफ हिंदू धर्म के अंदर आम की लकड़ी का उपयोग हवन के अंदर होता है। आपको या तो किसी हवन कुंड से एक कोयला ले आना है, कहां से लाना है, हवन कुंड से। हवन कुंड में 99% आम की लकड़ी का ही हवन में प्रयोग होता है, तो कोई बड़ी लकड़ी का एक कोयला आप ले लें, कहीं से भी ले लें, किसी मंदिर से ले लें या किसी के कोई पर्सनल हवन हो रहा हो वहां से ले लें, हवन कुंड से ले लें। हवन कुंड के कोयले की एक विशेषता है दोस्तों, वो कई सारे मंत्रों से अभिमंत्रित कोयला होता है और वो कोयले में इतनी शक्ति होती है कि आप उस कोयले से जो भी लिख देंगे वो आपका काम 100% हो जाएगा। आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग ढंग से इस कोयले का आपको प्रयोग करना है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई महिला है वो पुरुष को पसंद करती है या पुरुष है किसी महिला को पसंद करता है, तो आपको एक लाल कलर का कागज लेना है। कौन सा कागज लेना है, रेड कलर का, लाल, और उस लाल कलर के कागज पे उस कोयले से सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख दे।
अगर कोयले से कागज पे लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस कोयले का छोटा सा टुकड़ा उसमें से तोड़ लें और उसको पीस के और उसमें पानी मिला के उसका एक घोल बना लें और किसी भी लकड़ी से उस कागज पे उस व्यक्ति का नाम लिख के 5 बार उसका नाम आप अपने मुंह से बोलें और जब वो कागज का लिखा हुआ नाम सूख जाए उस कागज को फोल्ड करके आप अपनी जेब में रख लें। पूरे दिन लगभग 24 घंटे वो कागज आपको अपनी जेब में रखना है और उसके बाद किसी भी शिवालय में शिवलिंग के ऊपर आप उसको चढ़ा दें। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप उस पे एक रकम लिखें, चाहे आप 1 लाख लिख दें या 10 लाख लिखें, पर ये सोच के आपको लिखना है कि आपकी आपका लेवल क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, तो आपको उस ढंग की एक रकम लिख दें। अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आप 5 लाख लिख दें, तो वो रकम आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी मिलेगी और वो रकम आपको लिखनी है सफेद कलर के कागज पे। अगर कोयला से लिखी जा सके तो ठीक, नहीं तो मैंने जो बताया था उस कोयले को पीस के थोड़ा पानी मिला के पेस्ट बनाए और उससे आप किसी भी लकड़ी से वो रकम लिख दें, उसके पीछे लिख दें ये रकम मुझे मिल जाए, आपको 100% मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप नौकरी चाहते हैं, सर्विस आपको गवर्नमेंट या कोई भी, तो आप लिख दें मुझे ये सर्विस मिल जाए, तो वो सर्विस आपको 100% मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप उस सफेद कलर के कागज पे वो लिखें, तो आपका वो काम 100% हो जाएगा। और जो भी आप लिखें उस कागज को आपको 24 घंटे फोल्ड करके अपनी जेब में रखना है, उसके बाद ये कागज किसी भी मंदिर में, देवी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, जो भी मंदिर आपके पास अवेलेबल हो उस मंदिर में उस कागज को छोड़ दें। दोस्तों आप एक बार करके तो देखिए, क्योंकि ये कोयला कोई साधारण कोयला नहीं होता है, ये हर तरह से इतनी पूजा या इतने मंत्रों से आप इसको अभिमंत्रित नहीं कर सकते, प्लस घी और हवन की सारी सामग्री से ये पूरी तरह संपूर्ण होता है और इसके अंदर वो शक्तियां पैदा हो जाती हैं, जो शक्तियां आप जो चाहेंगे वो काम करने में अपने आप में सक्षम होती हैं। तो दोस्तों ये शास्त्र सम्मत है, आप सिर्फ ये कोयला ले आए हवन कुंड से बस, और आपका कोई भी काम 100% हो जाएगा। करते रहे इसको, करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।